वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक का विशेष। दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीबी व्हाट्सएप को कैसे डाउनलोड करें लेटेस्ट वर्जन में और उसमें कैसे नंबर से लॉगिन करें ओल्ड नंबर से न्यू नंबर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है, आपको लोगों को सबसे पहले आपके अपने माय फाइल में जाना होता है, ठीक है। वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है एपे की में, इसमें क्लिक करना होता है, ठीक है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने जितने भी जीबी व्हाट्सएप इंस्टॉल किए हैं वो सारा दिखाएगा, जो भी व्हाट्सएप यूज करते हैं वो डाउनलोड किए हैं वो सारा दिखाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना होता है। यहाँ से डिलीट कर देंगे आपका कोई भी फाइल इसमें डाउनलोड नहीं है, तो सिंपली आपको यहाँ से चले जाना होता है। आप टेलीग्राम तो यूज करते होंगे दोस्तों, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जाना होता है। टेलीग्राम पे जाएंगे और सिंपली आपको सर्च करना होता है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद, टेलीग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में डालना होता है टेक विथ शैलेश। यहाँ पे डालेंगे टेक विथ शैलेश। सिंपली आपको क्या करना है, मेरा चैनल यहाँ पे दिखाई दे देगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना होता है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमने एक फाइल देख रखा है दोस्तों, यहाँ पे यही वाला जो वर्जन, इसमें आप नंबर से लॉगिन कर पाएंगे ओल्ड नंबर से भी न्यू नंबर से भी, ठीक है। और इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा नंबर से लॉगिन करके, ओल्ड नंबर से न्यू नंबर से लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना होता है, इसको सिंपली एक बार क्लिक करना होता है। एक बार जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे डू यू वांट टू अपडेट दिस ऐप, तो ठीक है यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल में आएगा डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप। डाउनलोड होने के बाद तो सिंपली आपको क्या कर लेना होता है, सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना होता है। मैं यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे का प्रोसेस सिंपली डन पे क्लिक कर देना होता है। डन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बैक चले आएंगे मोबाइल के होम स्क्रीन में। मोबाइल के होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देने को मिल जाएगा, एक ऐप जीबी व्हाट्सएप, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपली आपको करना क्या होता है, जीबी व्हाट्सएप को सिंपली एक बार क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अगर जो आपने पहले से लॉक दे के रखा है तो लॉक मांगेगा, नहीं तो आप यहाँ पे लॉक मांगेगा तो अनलॉक कर लीजिएगा। अनलॉक करने के बाद सिंपली आपको करना क्या होता है, यहाँ पे रिस्टोर बैकअप पे क्लिक करना होता है। रिस्टोर बैकअप पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से नीचे रिस्टोर के बैकअप के नीचे यहाँ पे एक लैंग्वेज वाला ऑप्शन सा आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आप जो भी लैंग्वेज समझते हो अपने अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना न्यू नंबर चाहे ओल्ड नंबर डालेंगे, जो भी पहले दिखा रहा है यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप, ठीक है। जो आपका नंबर बैन हो गया है यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप, सामने से पॉपअप खुल के आ रहा है, ये मैसेज दिखा रहा है यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे वही नंबर टाइप करना होता है, ठीक है। इतना टाइप करने के बाद यहाँ पे टिक कर लेना होता है। टिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से कॉन्टेक्टिंग होना चालू हो गया, तो यहाँ से आपको यहाँ पे इज दिस द करेक्ट नंबर, अगर जो आपका नंबर रॉन्ग रहेगा तो आप उसको रीचेक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं यहाँ एडिट पे क्लिक करके, और करेक्ट रहेगा तो यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्टिंग कोड वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोड हमारे मोबाइल पे आ गया 472, यहाँ पे डालेंगे 472 और 617
7। इतना डालने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा मोबाइल लॉगिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम डाल लेंगे, यहाँ पे नाम डालने के बाद सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होता है। प्लस वाले आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको इमोजी सेट करना है, जो भी सेट करना है वॉलपेपर में तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। सिंपली इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको GB व्हाट्सएप लॉगिन हो गया है, आप यहाँ से अनलॉक करके GB व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। शेयर GB व्हाट्सएप GB सेटिंग्स, और यहाँ पे आपको रिस्टार्ट GB व्हाट्सएप, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, ठीक है गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग अन्य अन्य आइडिया लेकर आते हैं और वीडियो बनाते हैं और आपको देते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।